ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। नवादा जिले के लिए वर्षों से चली आ रही मांग को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। राजौली बख्तियारपुर रोड के फोर लेनिंग का कार्य का शिलान्यास आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। जिले को आज यह फोर लेन की सौगात मिलते ही एक लंबे वक्त का इंतजार समाप्त हुआ। राजौली बख्तियारपुर फोर लेनिंग के कुल 98 किलोमीटर के इस कार्य के लिए कुल 3801 करोड़ की राशि को स्वीकृत कर दिया गया है। फोर लेनिंग के इस निर्माण कार्य के लिए पैकेज एवं तीन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस मौके पर नवादा समन्वालय में नवादा के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों के साथ वेबकास्टिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण देखा। वहीं नवादा सद्भावना चौक पर बड़े स्क्रीन पर नवादा सांसद चंदन सिंह व वारसिलगंज विधायिका अरुणा देवी ने अपने समर्थकों के साथ पीएम का भाषण सुना। सांसद व मंत्री ने पीएम को धन्यवाद दिया। रोड का शिलान्यास होते ही नवादा सांसद चंदन सिंह और नवादा जिला प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। रजौली बख्तियारपुर फोर लेन के शिलान्यास के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, भारत सरकार और बिहार सरकार को दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और सिर्फ रजौली बख्तियारपुर नहीं, बिहार को जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दिया है, बिहार के लिए जो कदम उठाया है वो अद्वितीय है। इससे बिहार की तरक्की होगा, बिहार का विकास होगा, बिहार काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएगा और बिहार देश के नक्शे पर पहला राज दिखने लगेगा। इसलिए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं बिहार की जनता की तरफ से, बिहार की सरकार की तरफ से, और खास करके नवादा हम लोग आज हैं तो नवादा के जनता और जनप्रतिनिधियों की तरफ।